एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेषा क्रिएटिविटी। मेरे सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज है सैटरडे, बजे हैं सुबह के 11 और आज है पहला नवरात्रा। तो आप सभी को नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और दुनिया में जो चल रहा है ये कोरोना वायरस का खतरा, उसको जड़ से खत्म करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप सबने कैसे कैसे करके पूजा और व्रत किया है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा भी व्रत है और आज का वीडियो है बहुत ही खास वीडियो, मेरे लिए तो है ही है, आपको भी इससे जरूर हेल्प मिलेगी। और आज का वीडियो है, पहले तो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपना पुराना वाला मंदिर, क्योंकि काफी सारे फ्रेंड्स ने मुझे पूछा था कि मैंने अपना पुराना मंदिर कहाँ पर शिफ्ट किया है। और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो भी मेरे फ्रेंड YouTube पर वीडियो देखते हैं वो मुझे YouTube पर ही कमेंट्स किया करें, जिससे कि मैं टाइम से उसका रिप्लाई दे सकूं, क्योंकि Instagram पर मेरे पास अंबार लगा पड़ा है कमेंट्स का, लेकिन मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। और दूंगी मैं जरूर रिप्लाई, तो मैं जरूर करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आपको पता ही है बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है आजकल, क्लीनिंग भी चल रही है, DIY भी। कोशिश कर रही हूँ आपके साथ में जैसे ही टाइम मिलता है शेयर करूँ। शॉपिंग तो मतलब जबरदस्त चल रही है, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में अपना पहले तो पुराने मंदिर की जगह की कहाँ पर मैंने शिफ्ट किया है। उसके बाद में मैं आपको लेकर के चल रहूंगी एक ऐसी जगह पर जहां पर मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, मैं जा रही हूँ अपने लिए एक घर के लिए एक नया मंदिर लेने के लिए। तो कहाँ से लूंगी, कैसा लूंगी, वो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल ही जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो मैं तैयार हो गई हूँ, हस्बैंड नीचे है वेट कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपने मंदिर की नई जगह जहाँ पर मैंने मंदिर को शिफ्ट किया है। और मैंने यहाँ पर इसको शिफ्ट ज़रूर किया था नवरात्रि में मंदिर को, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लिविंग एरिया में तो रखूँगी, लेकिन जहाँ पर रखना है जिस तरीके से रखना है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मुझे ये ठीक करना है। और मैं नया मंदिर भी लेकर के आऊँगी, तो आपको दिखा रही हूँ आज सुबह की पूजा कि इस तरीके से सुबह में पूजा की थी। और मेरे ठाकुर जी जो हैं वो भी तैयार होकर के बैठे हुए हैं, मुझे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं जब अच्छे से तैयार होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ उनको हमेशा सुंदर तरीके से सजा करके रखूँ। और ये मेरा आज का मंदिर और सुबह की पूजा जो मैंने की थी यहाँ पर इसी तरीके से कर दी थी, क्योंकि सुबह सुबह पहले नवरात्रि में थोड़ा सा होता है ना जल्दी जल्दी, क्योंकि जितना भी जल्दी करो देर हो ही जाती है, और व्रत भी है और आज मुझे मंदिर लेने के लिए भी जाना था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दिया है। तो चौकी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने चौकी नहीं लगाई थी। फिलहाल अभी हम चलते हैं मंदिर लेने के लिए। तो मंदिर लेने के लिए मैं जा रही हूँ धनास। धनास एक ऐसी जगह है जो मतलब काफ़ी हमारे यहाँ से तो बहुत किलोमीटर दूर है। हम आ गए हैं धनास में, एंट्री कर ली है और यहाँ पर बहुत सारी टाइल्स की मार्बल्स की शॉप हैं। आपने सही पहचाना, मैं मार्बल का मंदिर देखने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पर इतनी सारी टाइल्स की शॉप थी, आपको सेरामिक का जितना भी घर बनाने के लिए सामान चाहिए होता है, जैसे कि टाइल्स हैं और टॉयलेट सीट्स वगैरह हैं, वॉश बेसिन हैं, टाइल्स हैं, बाथरूम टाइल्स वगैरह हैं, या फिर बहुत सारा सामान मिलता है, मार्बल, ग्रेनाइट, और मतलब पूरा ये एरिया जो है वो इन्हीं चीज़ों का है। और
जो लोग ट्राई सिटी में रहते हैं मेरे फ्रेंड, उन सबको पता रहेगा कि धनाज जो है वहाँ पर मार्बल का, पत्थर का, बहुत तरह का पत्थर का काम यहाँ पर होता है। और मेरे घर में, ये जो घर जिसमें मैं रहती हूँ, इस घर के लिए हमने, जब हमारा घर बन रहा था तो मैंने धनाज के बहुत सारे चक्कर लगाए थे, क्योंकि कभी पत्थर देखने जाना होता था, कभी कुछ देखने के लिए जाना होता था। तो यहाँ पर मैं बहुत बार आई हुई हूँ, फिलहाल मंदिर देखने के लिए पहली बार आई हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ये वाला मंदिर लिया था तो हस्बैंड अपनी चॉइस से ही लेकर के आए थे। और ये मंदिर भी ठीक है, बट मैं पहले भी खुश नहीं थी, मेरा इच्छा थी कि मैं मार्बल मंदिर लेकर के आऊँ, लेकिन तब तो हमने ये वाला रख लिया था। फिलहाल अभी हम आ गए हैं मंदिर लेने के लिए। और ये देखिए, यहाँ पर तुलसी कोटा के प्लांटर जो मार्बल के होते वो हैं, और फाउंटेन्स का भी मिल जाता है आपको, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाउंटेन जिनके गार्डन्स वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े। तो अगर आप सबके यहाँ इस तरह का स्पेस है तो इस तरह के गार्डन टेराकोटा के और मार्बल के सब यहाँ पर मिलते हैं। तो हमने एक दो जगह से रेट लेने के बाद में आ गए हैं थोड़ा सा आगे के साइड में, दूसरी जगह जा रहे हैं अभी। तो फाइनली हम एक और जगह आए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर हैं, काफ़ी अच्छा शोरूम है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, लेकिन मेरे घर में उतनी जगह नहीं है कि जो मुझे पसंद है मंदिर वो मैं यहाँ से लूँ, क्योंकि छोटे मंदिर का प्राइस फिर भी थोड़ा ज़्यादा है। बड़े मंदिर जो हैं वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, उन पर काम भी बहुत अच्छा किया हुआ है, और प्राइस वाइज देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं। तो जैसे ये छोटे छोटे से मंदिर हैं, इनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, और बड़े वाले जो हैं वो थोड़ा सा कम है। और ये देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, इटालियन मार्बल और ग्रेनाइट यहाँ पर इनका जगह है, और ये इटैलिका करके एक शॉप थी, यहाँ से हमने चूज़ किया है। तो फिलहाल अभी मंदिर तो हमने सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में, मंदिर को सिलेक्ट करने के बाद में अभी हमें एक जगह और जाना है। हम बना रहे हैं मंदिर के लिए एक स्पेशल फर्नीचर, जहाँ पर हमने मंदिर को स्थापित करवाना है। उससे पहले मैं आई हूँ, यहाँ पर एक शॉप थी, बहुत ही अच्छा सा शोरूम था, घर को डेकोरेट करने की बहुत डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें थी, बहुत खूबसूरत सी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा बहुत ही प्यारा कलेक्शन था चीज़ों का, जैसे डाइनिंग टेबल के ऊपर अगर आप इस तरह के वेस वगैरह रखते हैं या इस तरह की प्लेट्स वगैरह रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये फ्लावर वास हैं सारे, और ये देखिए आप, ये आर्टिफिशियल ग्रास भी हैं, ये फ्लावर वास हैं, लेकिन इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा ही थे। और ये आपको दिखा रही हूँ, ये 2800 का था सबसे छोटा वाला, तो मुझे काफ़ी कॉस्टली लगे। बाकी देखिए, सबका अपना बजट होता है, किसी को 2800 कुछ भी नहीं लगता और किसी को 2800 बहुत ज़्यादा लगता है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, तो इस वजह से मैंने वो यहाँ से कोई परचेजिंग तो नहीं की। ये लाइटेड वाले आपको दिखा रही हूँ, आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, इसके ऊपर सब में लाइट्स लगी हुई हैं, और जब ये जलती हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। बैम्बू बास्केट्स हैं, जैसे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर से, बहुत खूबसूरत खूबसूरत से ऑर्गेनाइज़र हैं। प्लांटर्स हैं, ये देखिए आप, ये फेंस वाले प्लांटर्स हैं, ये काफ़ी कॉस्टली हैं, क्योंकि मैंने देखे तो मुझे पसंद भी आए, मैंने सोचा भी था कि इनको लूं, लेकिन छोटे से छोटे फेंस वाला प्लांटर जो था वो 1200 का था, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया। और ये देखिए हैंगर्स हैं, ये आर्टिफिशियल प्लांट है बैम्बू का, जो कि देखने में बिल्कुल रियल लग रहा था। फिलहाल काफ़ी खूबसूरत सामान था, लेकिन वही था कि बजट इतना ज़्यादा था कि यहाँ से कुछ भी पिक एंड चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये जो आप बैम्बू प्लांट देख रहे हैं, ये था 27,000 का, और इसी तरीके से ये जो आप लाइट वाला देख रहे हैं, ये 23,000 का था। थाउजेंड्स में जब बात आती है तो फिर इंसान को सोचना पड़ता है बजट बना करके। तो ये देखिए, इस तरीके की यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी चीज़ें थी सजावट की, तो मैंने सोचा चलिए आपको एक थोड़ा सा टूर दे दिया जाए। उसके बाद में मैं आई फर्नीचर शॉप पर, तो फर्नीचर शॉप अपने जहाँ पर हम गए थे उन्होंने अपने गोडाउन में भेजा है।
माइका वगैरह चूज़ करने के लिए, तो मैं कुछ स्पेशल चीज़ बनवा रही हूँ। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और स्पेशली लिविंग एरिया के लिए बनवा रही हूँ, और बहुत टाइम से सोच रही थी करने के लिए, लेकिन चलिए फाइनली आज मेरे ये दो काम हो गए हैं। और अब घर पर वापस आ कर के दिखा रही हूँ आपको अपने मंदिर की एक छोटी सी झलक कि मैंने ख़रीदा है ये मार्बल का मंदिर, जो कि कुछ इस तरीके से है, और आपको इसकी एक झलक दे रही हूँ। बाकी जब वो मेरा फर्नीचर आ जाएगा और लिविंग एरिया सेट हो जाएगा, तब मैं आपको अपने किचन टूर भी दूंगी और लिविंग एरिया का टूर भी दूंगी, और साथ ही साथ मैं आपको अपना मंदिर भी प्रॉपर तरीके से डेकोरेट करके फिर दिखाऊंगी। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन, इसी टाइप की वीडियो आगे भी देखने के लिए। जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए। बाय बाय।